आज का जो हमारा टॉपिक होगा, व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है, उसके डेफिनेशन वो देखेंगे और कंपोनेंट्स क्या हैं। देर आर डिफरेंट कंपोनेंट विच नीड टू बी कंसीडर व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन आर्ट। देर आर थ्री कंपोनेंट, मतलब आर्ट में तीन कंपोनेंट होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड, कुछ भी जो हम बयान करते हैं, द वे इन विच इट इज एक्सप्रेस, किस तरीके से इसको बयान किया जाता है, द फंक्शन दैट इज इट परफॉर्म्स, कौन कौन से फंक्शन हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है। तो इनमें आर्ट में बेसिकली ये तीन चीज़ें आएंगी और तीनों चीज़ों को देखेंगे और तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो डेफिनेशन को देखते हैं। आर्ट हैज इवॉल्व ओवर टाइम एंड वेयर इज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, एनीथिंग कैन बी मेड इन टू आर्ट एंड द टर्म कंटिन्यू टू इवॉल्व। द नेचर ऑफ आर्ट हैज बीन डिस्क्राइब द फिलोसफर रिचर्ड विलियम्स, वन ऑफ द मोस्ट एलोसिव ओवर ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कल्चर। मतलब आर्ट कल्चर को कहते हैं, आर्ट हुनर फन, आर्ट किसी शे में भी हो सकता है, आपका आर्ट कोई चीज बनाने में हो सकता है, आपका आर्ट क्राफ्टिंग में हो सकता है, आपका आर्ट किसी भी शे में हो सकता है। तो आर्ट बेसिकली एक वसी फील्ड है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कौन से वे से एक्सप्रेस करते हैं, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। आर्ट आप देख सकते हैं हेनरी जेम्स से, वी वर्क इन द डार्क, वी डू वट वी कैन, वी गिव वट वी हैव। कहते हैं हम डार्क वर्क, मतलब एक डार्क पहलू में कोई काम करते हैं, एंड वी डू वट वी कैन, और हम अब वो करते हैं जो हम कर सकते हैं, एंड वी गिव वट वी हैव, और हम वो देते हैं जो हम हैं। आवर डाउट इज आवर पैशन एंड आवर पैशन इज आवर टास्क, द रेस्ट इज द मेडनेस ऑफ आर्ट। मतलब जो जोश होता है, जज्बा होता है, जो पागलपन होता है, वो आर्ट की शेप में हम डिस्प्ले करते हैं। आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी क्या है, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। आर्ट इज नॉट एज द मेटाफिजिशियन से द मैनिफेस्टेशन ऑफ मिस्ट्री आइडिया ब्यूटी आर गॉड। मतलब आप कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें अपनी फीलिंग्स, अपना हुनर, ये सारी चीजें इसमें डेवलप करते हैं। पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये टोटल आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी होती है। मतलब टोटली मतलब किसी विषय में बच्चे भी करते हैं आर्ट क्राफ्ट और कैलीग्राफी, तो साइंस की शेप में हो सकता है, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें ये आप नीचे भी देख सकते हैं कि उसने एक आर्ट की शेप में क्राफ्ट और डिफरेंट पिक्चर्स को डिस्प्ले किया है। इसका हुनर है, फन है, ये डिफरेंट मतलब आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये डिफरेंट टाइप की डिस्प्ले दी है आर्ट के बारे में। और फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला स्टेट्स, उसने क्या इसके बारे में आर्ट में क्या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी आर्ट इज रिस्क। मतलब रिस्क होता है, रिस्क के मतलब आप जो चीज़ बनाते हैं वो मे बी रॉन्ग भी हो सकती है, एक रिस्क भी हो सकता है, और उसको आप चाह रहे होते हैं कि ब्यूटीफुल शेप दें। जिस तरह आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इसमें उसने ब्यूटी को शो किया है, नेचर को शो किया है, और अपने आप को डिस्प्ले किया है। तो इस तरह मतलब गैलरीज, म्यूजियम, आप आर्ट देख सकते हैं गैलरीज में लगाए होते हैं, स्कूल्स में जाएं तो गैलरीज में लगाया होता है, या किसी भी जगह आप जाते हैं तो वो आर्ट की शेप में होते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आर्ट का हिस्सा हैं। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी, ये तीनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो मतलब नेक्स्ट टॉपिक में इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं।